नमस्कार, संगीतासिंह.com में आपका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी मक्के की रोटी। तो चलिए देखते हैं मक्के की रोटी बनाने के लिए किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। हमने ये 2 कटोरी मक्के का आटा लिया है, उसी कटोरी से आधी कटोरी ये गेहूं का आटा ले रखी हूँ, और ये मैं तेल ले रखी हूँ जो आटे में डालूँगी 1 चम्मच। ये मैं छोटे चम्मच से आधे चम्मच नमक ले रखी हूँ, ये छोटे चम्मच से आधे चम्मच अजवाइन ले रखी हूँ, ये 2 चम्मच मैं हरी धनिया पत्ती काट कर धोकर ले रखी हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आटा लगाना। मैं ये मक्के का आटा इसमें परात में डाल ले रही हूँ। इसमें ये गेहूँ का आटा मिक्स कर दूँगी। जिनको रोटी बनाने नहीं आता है मक्के का, उनके लिए मैं ये रेसिपी बता रही हूँ। ये आराम से मिक्स करने के बाद बन जाएगा। ये नमक मैं इसी में डाल दे रही हूँ, ये अजवाइन और ये धनिया पत्ती भी सब मैं इसी में डालकर फिर तेल भी डाल दूँगी। 1 चम्मच के अंदर जैसे मैं तेल डालूँगी ऐसे मैं तेल ले रखी हूँ। हो गया, मैं तेल भी डाल दी। अब मैं इसको ऐसे मिलाकर थोड़ा थोड़ा पानी लेकर इसको मैं सानूंगी। मैं 1.25 कप पानी ले रखी हूँ क्योंकि आटा मेरा कम है, ज़्यादा नहीं है। मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको आटे को लगाऊंगी। ये पानी मेरे को कम लग रहा है इसलिए मैं ये दिखा रही हूँ। थोड़ा सा मैं और पानी लूँगी, इतना ही पानी में ऐसे आटा लग जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ज़रूरत पड़ता है। ये पानी मैं डाल दे रही हूँ, मैं थोड़ा सा और पानी ले लूँगी। समझिए इस आटे में मेरा 1 कप पानी लग जाएगा। मैं थोड़ा कम पानी लेती तो मेरे को पानी कम करते हुए दिखाई दे रहा है। आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले भी मैं मक्के के आटे की रोटी का रेसिपी डाली थी, फिर मैं ये रेसिपी दोबारा डाल रही हूँ, लेकिन वही रेसिपी ये नहीं है, वो अलग टाइप का था, ये अलग तरीके का है। ये बहुत ही आसान है, इस तरीके से कोई भी रोटी बना सकता है। ये आटा अब मेरा लग गया। मैं इसको 5 से 7 मिनट तक बहुत मेहनत से मसल कर एक ही हाथ से लगाई हूँ, तब जाके ये आटा लगा है। ये नहीं कि देख कर और थोड़ी देर में फटाफट गुटिया के रख दिए तो रोटी फट जाएगी। मैं बहुत मेहनत से इसको सानी हूँ, 10 मिनट के लिए इसको रख दे रही हूँ ताकि आटा सेट हो जाएगा, तब मैं रोटी बनाऊँगी। ये 10 मिनट हो चुके हैं, आटा मेरा सेट हो चुका है, अब मैं रोटी बनाना शुरू कर रही हूँ। इसके लिए अब मैं लोई तोड़ रही हूँ और ये मैं गैस पे तवा चढ़ा दी हूँ। तवा धीरे धीरे गर्म होगा जब तक मैं रोटी बनाऊँगी। ये ऐसे करके लोई बना लूँगी, फिर इसको आटे में लपेट कर दोनों हाथों की उंगलियों की सहायता से इसको ऐसे थोड़ा चौड़ा कर लूँगी, फिर आटे में लपेट कर हल्के हाथों से बिल्कुल ऐसे लपेट कर बिल्कुल हल्के हाथों से इसे धीरे धीरे बिना प्रेशर दिए हुए ऐसे ऐसे मैं बेल लूँगी। ये रोटी मैंने बेल लिया है, फिर हाथों की सहायता से इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे कर दूँगी और देख लूँगी, तवा चेक कर लूँगी। तवा में से धार आने लगा है और मैं इसको तवे में डाल दे रही हूँ। फिर इसी तरीके से मैं दूसरी रोटी लोई लेकर धीरे धीरे तैयार करूँगी। और मैं बताना भूल गई थी, जब भी रोटी बनाए मक्के की तो गर्म पानी से ही बनाएँ, गुनगुने पानी से बनाएँ। मैं गुनगुना पानी ली थी, आप भी बनाए तो गुनगुना पानी ही लें। अभी फ्लेम हाई था, अब मैं मीडियम कर दे रही हूँ, नहीं तो रोटी जल जाएगी। जब ऊपर से ब्राउन हो जाएगा रोटी, थोड़ा कलर चेंज होने लगेगा, तब मैं इस रोटी को पलट दूँगी। देखिए ये कलर थोड़ा चेंज होने लगा है, अब मैं इसको पलट दे रही हूँ। फिर उधर से भी जब ब्राउन हो जाएगा, चिट्टी आने लगेगा, तब मैं गैस पर डायरेक्ट रख कर रोटी को सेक लूँगी। इसको मैं अब इस पर रख दूँगी और ऐसे मीडियम कर दूँगी, बिल्कुल लो कर दूँगी। और ये जब सीख जाएगा तो मैं ये तवा गैस पे रखूँगी और फिर दूसरी रोटी हाथों से थोड़ा बर्तन को झाड़ कर फिर डालूँगी। ये मैं रख दूँगी और इसको ऐसे उठाकर ऐसे 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 करके मैं इसको ऐसे डाल दूँगी और इसमें मैं थोड़ा सा घी लगा दूँगी। ये ऊपर से कलर चेंज हो गया है, अब मैं रोटी को ऐसे पलट दे रही हूँ और इसको बर्तन में लपेट कर फिर मैं चुनिया बनाऊंगी, फिर हल्का हाथ से इसको मैं बेलूंगी। ये
रोटी का कलर चेंज हो गया, मैं इसको पलट रही हूँ। इसी तरीके से मैं सभी रोटी बनाई हूँ और ये भी अब ऐसे लपेट कर और बेल लूँगी और सभी रोटियाँ मेरी ऐसे ही बन जाएंगी। इसके हल्के हाथों से ऐसे ऐसे करना है, जब ये फटने लगे तो थोड़ा ऐसे ऐसे कर देंगे, फिर ऐसे बेल लेंगे, फिर लास्ट में हाथों से थोड़ा थोड़ा इसको पतला कर देंगे और एक्स्ट्रा परथन जो होगा वो भी झर जाएगा। ये मैं गेहूँ का आटे का परथन ले हूँ अलग से, हमारी रोटियां बनकर तैयार हो गई। ये भी मैं अब उसी तरीके से सेंक लूँगी। जब भी मक्के की रोटी बनाएं तो गर्म पानी ही लें, गर्म पानी लेने पर रोटियां फटती नहीं हैं। ये रोटी बनाना बहुत ही आसान है, जिनको मक्के की रोटी बनाने नहीं आती है वो भी आसानी से ये बना सकते हैं। लोग सोचते हैं कि मक्के की रोटी कैसे बनेगी, ये बहुत आसान तरीके से बन जाता है। और थोड़ा सा इसमें घी लगा लेते हैं और कोई भी गाढ़ी दाल हो या तीखी सब्जी हो या दही हो या गुड़ के साथ, ये बहुत ही अच्छा लगता है। और खाने वाले के थाली में अगर गरम गरम परोसिए तो मज़ा ही कुछ और होता है। मैं इसमें अब थोड़ा घी लगा दे रही हूँ। इसी तरीके से मैं पूरी रोटियाँ अपनी बना ली। आप हमारे चैनल पर अगर नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए और आप भी बनाइए, खाइए और अपना अनुभव हमारे साथ sangeetasinghe.com पर शेयर कीजिए। आपकी रोटी कैसी बनी हमें बताइए, देखिए कितनी अच्छी रोटियां बनी हैं। ये देखिए हमारी रोटियां कितनी अच्छी बनी हैं, कितनी प्यारी बनी हैं। आप भी बनाइए, खाइए और अपना अनुभव हमारे साथ sangeetasinghe.com पर शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। मैं डिस्क्रिप्शन में सारा सामग्री लिख देती हूँ, आप भी देखकर अच्छे से बना सकते हैं। मेरे सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखा रहता है सामग्री। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।